हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थियरीज ऑफ माइग्रेशन। चार इंपॉर्टेंट यहाँ पे थियरीज दी रखी है, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज ग्रेविटी मॉडल, नंबर सेकंड इज एवरेट ली मॉडल, नंबर थर्ड इज स्टफर मॉडल एंड नंबर फोर इज रेवेनस्टीन मॉडल। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं ग्रेविटी मॉडल के साथ में। ग्रेविटी वर्ड आपने सुना होगा, साइंस की क्लास में आपने समझा होगा कि ग्रेविटी का मतलब होता क्या है। न्यूटन ने हमें बताया कि अगर स्पेस में दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है जी, एक का साइज़ बहुत बड़ा है, दूसरे का साइज़ बहुत छोटा है, और अगर इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो इस केस में क्या होगा, जो बड़ा ऑब्जेक्ट है अपने से छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स कि ग्रेविटी इज़ नथिंग बट इज जस्ट अ अट्रैक्टिंग पावर, ठीक है। तो इस केस में न्यूटन ने हमें समझाया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक का साइज़ बहुत बड़ा है, एक का साइज़ बहुत छोटा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बहुत कम है, तो जो बड़ा ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है एग्जर्ट करेगा किस पे, छोटे पे, और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो एक वेल एक्सेप्टेड थियरी थी जो कि न्यूटन के द्वारा दी गई थी, जो कि हमने साइंस में पढ़ा था। लेकिन ये ग्रेविटी मॉडल माइग्रेशन के थ्योरी में कैसे आ गया, माइग्रेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटी मॉडल कैसे कार्य करता है। देखिए, ग्रेविटी मॉडल जब हम माइग्रेशन के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे दो सिटीज़ के बीच में कंपैरिजन किया गया, एक बहुत बड़ा शहर है जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप है, दूसरा एक छोटा शहर है इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, और इन दोनों शहरों के बीच में अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो जो बड़ा शहर है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा दूसरे छोटे शहर को और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स कि वहाँ के जो लोग हैं बड़े शहर में जाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ही है जैसा कि न्यूटन ने ग्रेविटी मॉडल दिया था स्पेस से रिलेटेड, और ग्रेविटी मॉडल जो है आपके माइग्रेशन से रिलेटेड, ये बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई आप डिफ्रेंशिएट इन दोनों के बीच में नहीं कर सकते, ठीक है जी। चलिए अब हम देखते हैं एवरेट ली के द्वारा जो माइग्रेशन की थियरी दी गई थी वहाँ पर क्या कहना है। देखिए, एवरेट ली साहब का कहना है कि चार फैक्टर्स होते हैं जो कि एक पर्सन को अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से दूसरे जगह तक, उसके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए उनको फोर्स करते हैं। तो ऐसे कौन से चार फैक्टर हैं जो कि माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नंबर वन इज़ पुश फैक्टर। तो हमने पुश फैक्टर को स्टडी किया है। पुश फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके प्लेस ऑफ ओरिजिन में, जहाँ पे आप रह रहे हो, वहाँ पे ये रहने लायक नहीं छोड़ते आपको। दैट मीन्स कि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही है जो कि आपको मजबूर करते हैं कि आपको वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। नंबर वन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप उस एरिया में क्यों रहोगे। नंबर सेकेंड इज़ क्राइम रेट बहुत है वहाँ पर, ठीक है, फ्लड्स बहुत आते हैं, ड्राउट आपको देखने को मिल रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपको फोर्स करेंगे कि आपको अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन में नहीं रहना चाहिए, आपको यहाँ से चल जाना चाहिए। तो नंबर वन जो कंडीशन यहाँ पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली दी गई है एवरेट ली के द्वारा, वो है पुश फैक्टर। तो ये पुश फैक्टर जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि एक पर्सन को एक स्थान को छोड़ के जाना चाहिए। अब बात यहाँ पर ये है कि चलिए ठीक है, पुश फैक्टर तो यहाँ पर है। अब दूसरा फैक्टर आता है पुल फैक्टर। अब यहाँ पर जो आपने पुश फैक्टर देखा, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक ऐसा एरिया देखना होगा जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहोगे, उसको पुल फैक्टर्स कहोगे। तो आप उस रीजन में ही जाना पसंद करोगे जहाँ पे आपको जॉब मिलेगा, जहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी सरकार। तो इसको क्या कहते हैं, इसको पुल फैक्टर कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर पुश फैक्टर आपके प्लेस ऑफ ओरिजिन में है तो कंपैरेटिवली आपको दूसरे एरिया की तरफ रुख करना पड़ेगा, और उस एरिया की तरफ आप रुख करोगे जहाँ पे ये सभी पुल फैक्टर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर वन हमने देखा पुश फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है माइग्रेशन के लिए, और नंबर सेकंड यहाँ पे पुल फैक्टर है। जैसे कि पुश फैक्टर में जितने भी आप फैक्टर्स देखते हो, जैसे कि मान लीजिए फ्लड्स है, तो आपके प्लेस ऑफ ओरिजिन में फ्लड्स बहुत आते हैं, तो आप एक ऐसे कंट्री का रुख करोगे, ऐसे रीजन का रुख करोगे जहाँ पर फ्लड्स बहुत कम है। आपके कंट्री में ड्राउट बहुत ज़्यादा है तो आप उस कंट्री की ओर रुख करोगे जहाँ पर फूड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कंबाइनली पुश फैक्टर और पुल फैक्टर जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि एक पर्सन को एक कंट्री छोड़ के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। चलिए नंबर थर्ड जो है वो है इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल। तो ऑब्स्टेकल क्या है, देखिए ऑब्स्टेकल रुकावटें। एक जगह से जब आप दूसरे जगह पे जाते हो तो अगर कोई रुकावट नहीं है तो आप इजीली चल जाओगे। अब ये इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल जो है ये बेसिकली है क्या, डिस्टेंस हो गया। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आप अवॉइड करोगे वहाँ पर जाना, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है, बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं होती है वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जब आप जाते हो तो रास्ते में माउंटेन्स, हिली रीजन्स तो बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर कर लोगे। लेकिन ये जो थर्ड वाला आपको पॉइंट जो दिया रखा है एवरेट ली के द्वारा,
अब इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही नहीं है, जो ये ऑब्स्टेकल है इसको हमने ओवरकम कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एयरवेज भी आ चुके हैं, ठीक है। एयरप्लेन के थ्रू जो है आप इजीली कहीं पे भी अब जा सकते हो। नंबर फोर्थ जो है यहाँ पे एवरेट ली के द्वारा बताया गया है कि कोई पर्सन जो है माइग्रेशन क्यों करता है, वो है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर का क्या मतलब है कि आपकी एज कितनी है, ठीक है। अब माइग्रेशन की थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो यंगर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा माइग्रेट करना चाहती है। देन सेक्स जो है ये अगेन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो मेल पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा माइग्रेशन करते हैं रूरल टू अर्बन, लेकिन अगर इंटरस्टेट अगर हम माइग्रेशन की बात करें तो वहाँ पे जो फीमेल माइग्रेशन है वो ज़्यादा डोमिनेट करती है ड्यू टू मैरिज, ठीक है। तो ये एवरेट ली के द्वारा माइग्रेशन की थ्योरी दी गई थी। उसके बाद हम देखते हैं स्टफर के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी वो क्या, ये है थ्योरी ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है जस्ट एक मूवमेंट, ठीक है। एक प्लेस से अगर दूसरे जगह पे आप जाते हो तो उसको मोबिलिटी कहते हैं। तो स्टफर का जो मॉडल है बेसिकली ये एक मॉडिफिकेशन है ग्रेविटी मॉडल में, ठीक है। तो हमने लेक्चर के शुरुआत में देखा था ग्रेविटी मॉडल क्या था, दो शहरों का हमने कंपेरिजन किया था। तो स्टफर का कहना है कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कहते हैं कि अगर दो सिटीज़ है, एक बहुत ज़्यादा डेवलप है एक बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, शहर का साइज़ जो है डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा डिटरमाइन नहीं करेगा कि माइग्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डिटरमाइन यहाँ पे क्या करेगा, ये डिटरमाइन करेगा अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर बहुत ज़्यादा डेवलप भी है, बहुत बड़ा शहर है, लेकिन अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं लोगों के लिए तो वहाँ पे जाना क्यों पसंद करेंगे। तो ये कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़, और दूसरा है आपका ऑब्स्टेकल, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके माइग्रेशन में। तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर एक शहर में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, ठीक है, तो लोग वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। और दूसरा नंबर ये कहते हैं ऑब्स्टेकल्स, अगर वहाँ तक पहुँचने में ऑब्स्टेकल बहुत कम है तब भी लोग जाना पसंद करेंगे, अगर ऑब्स्टेकल बहुत ज़्यादा है तो लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। तो आप कह सकते हो कि इस मॉडल के तहत जो माइग्रेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके अपॉर्चुनिटीज़ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके ऑब्स्टेकल के। उसके बाद लास्ट जो लॉ है दैट इज़ रेवेन्स्टीन लॉ। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा चार फैक्टर्स जो हैं जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और आप कह सकते हो कि माइग्रेशन से रिलेटेड ये चार बातें जो है आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि लोग जो है शॉर्टर डिस्टेंस में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। हालांकि अब ये बात जो है अभी इतनी वैलिड नहीं है, क्योंकि अब एयरवेज जो है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो बड़ी बड़ी जो डिस्टेंसेस है उसको कुछ ही घंटों में कवर कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इनके लॉ के तहत ये कहा जाता है कि लोग जो है माइग्रेशन किस लिए करते हैं, ये सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस के लिए करते हैं। अब ये कुछ हद तक आप कह सकते हो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, इकोनॉमिक रीज़न ही होता है आपके माइग्रेशन से रिलेटेड। थर्ड ये बात कहते हैं कि फीमेल माइग्रेशन जो है ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो ये यहाँ पे बात की जा रही है बेसिकली इंटरस्टेट जो माइग्रेशन है उसकी बात की जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैरिज जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इस केस में क्या होता है, फीमेल माइग्रेशन ज़्यादा होता है। और ये भी कहा जाता है कि इस लॉ के तहत कि रूरल जो माइग्रेशन है वो ज़्यादा होती है, दैट मीन्स कि रूरल से अर्बन की ओर जो माइग्रेशन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन से रूरल की तरफ, ठीक है। तो ये चार लॉ रेवेन्स्टीन ने दिया था। तो इसके साथ ही हम लेक्चर के अंत में आ चुके हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।